तो हेलो गाइस, तो अब हमने पिछले पार्ट में देखा था डाकोर जी और स्टैचू ऑफ यूनिटी का कुछ पार्ट। तो इस वीडियो में हम स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो मेन पार्ट है, जो हम उनके हार्ट तक जाते हैं लिफ्ट से, उसके आगे वाला पार्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत फास्ट है ना? इसके पावर पावर। हाँ तो ये नर्मदा नदी है, नदी के बीच में एक नेचुरली माउंटेन सालुबेशन जाना जाता है। स्टैचू पे निर्माण किया 2013 में न्यू रखे थे इधर बीच में। 2014 से खत्म किया, तो ये साढ़े 3 साल में 45 मंथ में उन्होंने ये बना के रेडी कर दिया, यानी कि 2018 में प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन कर दिया है। तो हम 135 मीटर की ऊंचाई में 450 फीट 45 मीटर फ्लोर ऑनली 38 सेकंड में सर्विस जो लिफ्ट है इतनी फास्ट यहाँ पे आती है। और उन्होंने जो दिल से सोचा हुआ सपना ड्रीम वो उनके दिल में होके हम फ्रंट साइड से देख सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है सदर साहब का चेक है, टोटली ब्रॉन्ज 1700 मैट्रिक टन। और यहाँ आप करीब जाएंगे तो आपको बटन वही बटन आपको नीचे से देखना रहेगा। तो प्रतिमा 182 मीटर 60 फ्लोर 600 फीट है। इंटरनल सारे स्ट्रक्चर आपको ज्वाइन हुए वो देखना होगा, बैक साइड का व्यू देखना है। प्रतिमा हजारों से ज्यादा पीसेस को ज्वाइन करके उसकी डिजाइन बनी है। उनके शिल्पकार है महाराष्ट्र डॉक्टर राम वंजी सुधार। 182 मीटर गुजरात असेंबली डिसाइड नंबर 182। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। 34 सेकंड्स में आती है ऊपर। देखो इधर, ये इधर जगह खाली, इधर ये दिल वाला हिस्सा पता है हम लोग बोलते हैं। हां देखते हैं क्या बने। हां और सरदार सरोवर, बहुत बड़ा है। मैंने एक ही साइड में देखेगा, वो दूसरे साइड कुछ नहीं है। यहाँ पे तो खींचो कुछ गिरा गिरा दो। तो मैंने रिस्क लेके अपने मोबाइल को यहाँ से बाहर निकाला और यहाँ से वीडियो ले रहा हूँ। अभी देखिए ट्राइपॉड की मदद से, ये यहाँ से ना इतने हाइट पे हम लोग, यहाँ से नीचे मोबाइल गिरा खींच गया, दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ से देखिए कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। तो यहाँ से देखिए ये डैम का व्यू आ रहा है सीधा सीधा। और स्टैचू की जो पोजीशन है वो ऐसी है कि यहाँ से सीधा ही दिखता है ये, क्योंकि उनका सपना था कि ये वो देख सके। तो इसलिए उनका स्टैचू ऐसे बनाया कि वहाँ से सीधा वो दिखता है सरदार सरोवर डैम। और ये पार्किंग वाला एरिया देखिए, यहाँ से कितनी कितनी छोटी छोटी बसेस दिख रही है। ये जो बस से हम आते हैं ना पार्किंग, वो उधर वाले पार्किंग से, तो बसेस रिटर्न लेके जा रही लोगों को जो रिटर्न जा रहे होंगे। वो देखिए पूरा दिख रहा है यहाँ से पार्किंग वगैरह, बहुत ज्यादा हाइट पे अपन अभी। यहाँ हाई स्ट्रक्चर देख, स्ट्रक्चर ये ना मेंटेनेंस वगैरह कुछ करते होंगे तो इधर से जाते होंगे। हाँ वाह, कितने मजबूत बनाए होंगे ने। ये देखो उसका थिकनेस देखो, ओके पीछे साइड थोड़ा सा व्यू दिया हुआ है यहाँ पे। चलो एग्जिट के लिए भी वॉशरूम भी है वहाँ पे। हाँ मैं वहाँ पे बोल रहा था फोटो खींचने का। इधर क्या है? ओके फाउंटेन दिख रहे हैं तो अपन आए नहीं थे क्या? हाँ अपन आए थे वाला। ये फाउंटेन से देख सही है, अपन इधर से अपन बस से आए तो दिखे थे। हाँ हाँ तो ये ब्रिज दिख रहा है ना इधर के लिए ये वाला। ये रिटर्न वाला है एग्जिट, ये एक पैर है और ये वाला एक पैर है इधर। यहाँ से आगे उठो कि अंदर से लेंगे? अरे वो जानकारी दे रहे फिर से चलो। जो 121 मीटर की जो हाइट वो फाइनल नहीं हुई थी, गेट नहीं लगाए थे।
और उसी के टाइम के अंदर उनका जो पॉलिटिक्सन का जो चल रहा था इलेक्शन, और जब ये फाइनल करने के लिए उनका जो काम किया, तो हाई कोर्ट का जजमेंट होने के बाद फाइनली ये फाइनल हो गया 163 meters लार्जेस्ट सेकेंड डैम बना। तो साथ में मोदी साहब ने ये सोचा कि वल्लभ भाई पटेल भारत को कैसे जोड़ा था, तो शायद मोस्ट ऑफ के हम नहीं जानते, अगर हम जानते हैं तो शायद आने वाले वक्त में सरदार वल्लभ भाई पटेल वो कौन थे, यानी कि मतलब कि भारत कैसे बना था यूनाइटेड, और अदरवाइज कंट्री में अपने वाला नरेंद्र मोदी से जाके आए तो हमारे भारत में एक चीज की कमी है, बस वह भारत को दिखाना है और दुनिया अपने आप देख जाएगी यहाँ आके। तो नर्मदा नदी है, नदी के बीच में एक छोटा सा आइलैंड नेचुरली है, फ्लोर पे अपना है ना, 45th बोला ना, चलो अभी गिनते हैं कितने सेकंड में। तो ये देखिए लिप में यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे ऊंचा स्टैचू है, उसके बाद में फिर कौन से स्टैचू है। तो देखिए यहाँ पे लिफ्ट की जो कैपेसिटी है 26 पर्सन एट ए टाइम है, बहुत ज़्यादा, और कैपेसिटी 1768 kg। और अब हम देखते हैं हम कितने सेकंड में जाते हैं, उन्होंने 34 सेकंड्स कहा है तो हम लोग कभी काउंट कर रहे हैं। तो उन्होंने जो कहा था 34 सेकंड्स वो सही कहा है एकदम, यानी मीन्स आते आते आप लिफ्ट से बाहर निकलते 36-37 सेकंड्स हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही फास्ट है। 45th फ्लोर से आप इतने जल्दी नीचे आ जाते थे कि और कुछ समझता ही नहीं, बहुत ही फास्ट है लिफ्ट। हाँ, विकलांग लोगों के लिए। तो वहां पे जो थिएटर बनाए हुए जहाँ पे सरदार जी का जो स्टैचू है उसके मीन्स कैसे बनाया क्या उस बारे में सारी जानकारी दी हुई है, मीन्स पूरी डिटेल में वो बताते हैं वहाँ पे। बट हम लोग बैठे थे तो गुजराती में चल रहा था, पता नहीं बाकी लैंग्वेजेस में चलता है कि नहीं। वाह 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 वाह, जबरदस्त, ऐसा होना। ये गैलरी है नहीं, ये अलग अलग नहीं क्या, ये बच्चों के हिसाब से होंगे। क्या बोलते हैं, क्या आप जानते हैं नर्मदा नदी का उगम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उगम नहीं, क्या हिमालय से होता होगा। सॉरी सॉरी, आप सही है, हमारी हमको हिस्ट्री बहुत बेकार है। नदी का क्षेत्र कितना है, कौन से नदी का? नर्मदा। अरे अरे, इसको पता है, जान दो, मैं बेइज्जती नहीं करवाना मेरा बहुत वीक है सब। तीन भारतीय राज्यों से नर्मदा नदी नदी होकर गुजरती है, ये तो ये होगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। हाँ, ये मैंने गेस किया। नर्मदा नदी की कितनी सहायक नदियाँ है ये नहीं याद आ रहा मेरे को। अच्छा, हमारे सब सही निकले बाबा, आगे पढ़ाई करो। ये क्या है, चतुरसिंगा चौसिंगा। तो यहाँ ना एजुकेशन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें दी है, बहुत सारी चीज़ें नॉलेजेबल चीज़ें दी हुई है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के एजुकेशन टूर वगैरह भी आए हुए थे। तो अगर आप एक्सप्लोर करने जाओगे तो पूरा दिन भी कम पड़ता है यहाँ पे इतना सारा, तो इसलिए हमारा पूरा दिन ही जा रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग, मैं तो इतने वीडियो ले रहा हूँ ना कि अभी क्या ही डालूंगा यूट्यूब पे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कितना लंबा वीडियो बनेगा, बहुत कुछ है यहाँ पे दिखाने लायक, फिर भी बहुत सारे कट कर रहा हूँ मैं अभी।
ये निकाल इधर, ये कहाँ का है? नहीं है, जोधपुर का ही है। बराबर बराबर है, बराबर है। अरे हो गया ये किच? एक एक बार अच्छा हाँ। ये शायद नीचे होगा क्योंकि ये अय्यर सर ने देख के, नहीं ना अय्यर सर ने देख के फिलहाल नहीं आ रहे, नहीं आ रहे हो? हाँ यहाँ के ट्रावेनकोर लैंग्वेज वाइज देखे तो उनका मैच होता है नाम। ट्रावेनकोर कौन सा रहा? मोहम्मद खान जी, पाकिस्तान। सॉरी जूनागढ़ बराबर कर रही हो एकदम करेक्ट। अब लास्ट से गए महाराजा हो गया, हो गया, हो गया। वेल डन यू गेस राइट, सरदार वल्लभभाई पटेल है Unified over 550 states within 4 years. हाँ चल चल चल, थक गया मैं अभी, हो गया मैं और नहीं रुक सकता है। चल मैं, मेरे पैर पूरे जवाब दे रहे अभी। चल चाय वगैरह पिला मेरे। तो यहाँ यार घूम घूम के ना थक गया एकदम, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है यहाँ पे। मीन्स सारे लोग थक गए थे एकदम चल चल के, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें है ये जो गैलरी है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें है और पूरा एजुकेशनल। बच्चों के साथ आते हो तो बहुत ही बढ़िया है। देखिए यहाँ पे जो है सत्याग्रह के बारे में जानकारी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते बॉस करके। यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े टैब लगे हुए हैं, वहां पे आप क्विज वगैरह खेल सकते हैं। मीन्स आपको इंटरेस्ट है तो, बहुत बड़े बड़े ऐसे टैब लगे हुए हैं और अलग अलग जानकारी है। जैसे कि यहाँ पे प्लेग के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मीन्स इसके पहले क्विज आया, फिर वो क्विज में आप सही आंसर देते या गलत, उसके हिसाब से फिर बाद में यहाँ पे उसकी जानकारी देता है डिटेल में। देखिए अभी ये पूरी यहाँ पे जानकारी आ गई, उसके बाद और क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे आप कोई एक विकल्प चुनते हैं तो उसके बाद में वापस से हो आप सही है तो उसके बाद में फिर उसकी इन्फॉर्मेशन आती है। इससे बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है एकदम। क्विज वगैरह के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है। तो अहमदाबाद में वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी, उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। देन इधर भी कुछ है हिस्ट्री लिखा हुआ, तो बहुत कुछ है। अभी क्या क्या दिखाऊं मैं कैमरे में, हर एक चीज़ में बहुत, तो भी बहुत सारी चीज़ें कवर किया है। आप अगर सच में हिस्ट्री प्रेमी होंगे ना तो आपको इंटरेस्ट रहेगा, नहीं तो कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो आप स्किप कर सकते हैं थोड़ा पार्ट। तो यहाँ पे देखिए जूम कर करके मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ, क्योंकि हर जगह जा जाके मेरे खुद के पैर इतने दुख गए थे ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है यहाँ पे। देखिए ये ना, ये दूर से देखने में एकदम लाइब्रेरी जैसा लगता है। अभी जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने फर्स्ट ग्लांस में लाइब्रेरी ही बोला इसको, बट ये एक पोस्टर जैसा लगा हुआ है बुक्स का 3D। सच में अभी भी या पास से भी देखोगे तो पूरा लाइब्रेरी जैसा ही दिख रहा है, एकदम अच्छा है, एकदम बढ़िया बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पटेल भाइयों के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। देन यहाँ पे उनके लंदन में जो दिन उन्होंने बिताया उसके बारे में लिखा हुआ है। लिखा हुआ तो बहुत, पूरी हिस्ट्री आपको वल्लभ भाई पटेल की पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं एक चीज इफ यू आर इंटरेस्टेड, अदरवाइज स्किप। तो अंदर का हमारा भी घूम के हो गया, तो हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं।
यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है उनके पैर तक हम जा सकते हैं, तो वहाँ से वहाँ जा रहे हैं। एस्केलेटर लगे हुए जगह जगह पे, आपको चलना नहीं पड़ेगा। ये चीज़ बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ से, एकदम पास से देखेंगे। तो ये हम अभी पैर तक आ गए इनके। देखो तो जो 180 वाली टिकट हम लेते हैं ना, तो यहाँ तक नहीं मिलता है अपने को, अंदर एंट्री नहीं रहती, यहाँ तक आप आ सकते हो। तो बहुत अच्छा, कम टिकट में बहुत सारा घूमना हो जाता है हमारा, 380 में तो बहुत सारा घूमना हो जाता है। तो देखिए कितने बड़ी है ना स्टैचू एकदम, और यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया लगता है, यहाँ से ऊपर से बहुत मीन्स हाइट पे है, ऐसा समझो कि लगभग 3 से 4 फ्लोर अपन चढ़ते हैं ना उतना ऊपर है ये इनके पैर तक जाने के लिए। तो यहाँ पे लोग ना आजू बाजू में मस्त तो फोटोज क्लिक करते रहते हैं जाके, क्योंकि आजू बाजू का व्यू भी बहुत अच्छा है, हिल्स वगैरह दिखते हैं यहाँ से, बढ़िया मस्त लगता है। और इनका देखिए शू का ये जो है उसका पैर का साइज देखिए आप, उनके जो सोल है ना उतनी हाइट के रहते हैं हम, एज ए मीन्स आप इस पे से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ा कितना बड़ा स्टैचू है, 182 meters मीन्स कम नहीं होता, बहुत ही बढ़िया अद्भुत एकदम। अभी हम लोग तो एकदम थक चुके हैं, पैर जवाब दे चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ जल्दी जल्दी यहाँ से निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे मामा हैं, इनकी भी अच्छी खासी हाइट है, फिर भी वो सोल तक भी नहीं आ रहे उनके, देखो मीन्स कितना ऊंचा है स्टैचू। ये लोग किधर दिख नहीं रहे, बाकी ओके ये मम्मी पापा और सुरभि और सुभिंदर हो गए, ये लोग यहाँ पे बैठे मस्त आराम कर रहे, ये लोग शायद आगे चले गए इधर। दिस इज फर्स्ट फ्लोर, दिस सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, मीन्स यहाँ तक जाने मिलता है हमको। मैं ना बार बार कैमरा निकाल रही थी, ज्योति चीड़ रही मेरे ऊपर, मैं क्या करूँ यार, इतना सुंदर है ना स्टैचू कि बार बार आदमी रिकॉर्ड करने लग जाता है, क्योंकि मुझे कितनी बार रिकॉर्ड करूँ ऐसा लग रहा है। अभी हमको वैली ऑफ फ्लावर्स भी जाना है, जो 380 की हमारी टिकट है उसमें वैली ऑफ फ्लावर्स भी इंक्लूड है, तो बंद हो जाएगा, तो हमको अभी यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। देखते चाय वगैरह पीते पे कहीं पे चाय नाश्ता करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है घूम घूम के। यहाँ पे ना अलग अलग चीज़ें मीन्स कैक्टस गार्डन है, बटरफ्लाई गार्डन है, ये देखिए बटरफ्लाई गार्डन तो वैसे दिख रहा है, देन वैली ऑफ फ्लावर्स है, जू है, मीन्स ऐसे बहुत सारी चीज़ें, लेजर शो होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बाकी सब की तो आपको अलग से लेना पड़ता है टिकट। वैली ऑफ फ्लावर्स इंक्लूड रहता है 380 में। अभी हम जा रहे हैं रिटर्न। तो यहाँ पे ऐसा कैफे जैसा है, जहाँ पे स्टारबक्स कॉफ़ी सीसीडी वगैरह सब कुछ है, यहाँ पे आप नाश्ता चाय वगैरह कर सकते हैं, हमने यहाँ पे नाश्ता किए, और अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में। ये देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मीन्स है आप यहाँ पे थक जाते हैं ना तो जरूरत पड़ती है। देखिए ये वाटरफॉल वगैरह जैसा मस्त यहाँ पे बनाया हुआ है गार्डन में, बहुत ही सुंदर लगता है ये सब। यहाँ पे फोटोज क्लिक करते रहते हैं लोग, फोटोज तो हर जगह क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, और इतना पॉश है ना, बहुत ही बढ़िया। वहीं पे पार्किंग में ना हमको ये इलेक्ट्रिक ऑटो मिला, तो इसी से हम अभी जा रहे हैं वैली ऑफ गार्डन। 50 rupees पर पर्सन है यहाँ पे इसका फेयर, और पर हमको पता नहीं था यहाँ से बसेस भी चलती है, व्यू वाली बसेस चलती है जो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ से मीन्स जो भी आपको पॉइंट पे जाना है, जू जाना है, कैक्टस गार्डन जाना है, जहाँ पे भी जाना है वो फ्री में पहुँचा था, हमको पता नहीं था इसलिए हमने ये इलेक्ट्रिक वाला ऑटो किया, तो इसी से हम जा रहे हैं। और बढ़िया है, पिंक ऑटो है, और ये इसमें जो चलाने वाले ड्राइवर है वो लेडीज ही रहेगी, मीन्स अच्छा है, उनको रोजगार मिल गया लेडीज लोगों को यहाँ पे, ये चीज बड़ी अच्छी है। और कुछ है इसके अलावा, और कुछ देखने का है, और कुछ देखने लायक कुछ है क्या, और ऐसा बोल रहे।
देखिए वैली ऑफ फ्लावर से ना तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर है, तो यहाँ से बहुत ही बढ़िया व्यू मिला मुझे यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी का। तो यहाँ पे मैंने अपने सैमसंग S23 अल्ट्रा के जूम का बहुत ही बढ़िया फायदा उठाया और जूम करके मैंने लिया यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया है एकदम, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो वैली ऑफ फ्लावर्स में मैंने ना ज़्यादा वीडियोज वगैरह नहीं लिया, बहुत सुंदर गार्डन था, एकदम अलग अलग टाइप के फ्लावर्स वगैरह थे। आप बट कैसे मेरे फ़ोन की जो बैटरी है ना वो 9% पे आ गई थी, क्योंकि दिन भर से मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर वगैरह बहुत सारे वीडियो चले और बहुत सारे फोटोज, तो कैमरे में तो यार बैटरी बहुत जाती है ना, फिर भी बहुत पूरा दिन भर चला मेरा फ़ोन और बैटरी 9% पे आ गई थी, इसलिए फिर मैंने नहीं किया वापस शूट। तो ये देखिए यहाँ पे जो चेयर दिख रही है ना, ये लेजर शो का व्यू पॉइंट है, हेलीपैड वाला पॉइंट है ये, इसको हेलीपैड पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ से रिटर्न पार्किंग तक हम लोग ये वाले इलेक्ट्रिक बस में आए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम लोग वैली ऑफ फ्लावर से 5:30 बजे आ गए थे और फिर 1.25 घंटा में यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि देखिए अंदर जिनको सीट नहीं मिलती ना लेजर शो के लिए, तो यहाँ पे पार्किंग में बैठ के भी देख सकते हैं। तो ये लोग ये इसीलिए इतने सारे लोग बैठे हैं, हम लोग भी यहीं पे बैठे थे लेकिन हम लोग अभी नहीं बैठ सकते क्योंकि थक चुके हैं पूरे दिन भर घूम के, तो इसलिए हम लोग लेजर शो नहीं देखेंगे और मैं आपको भी नहीं दिखा पाऊंगा। तो हम लोग अभी रिटर्न जाएंगे अपने कार की पार्किंग में और फिर वहां से होटल ढूंढना है हमको जल्दी से, फिर रेस्ट भी करना है और कल सुबह जल्दी निकलना है रिटर्न जाने के लिए। तो कार पार्किंग से जैसे हम आते वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट आई थी बस से, वैसे अभी जाते वक्त भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये बसेस लगी ही रहती है, आप जब भी आपको जाना है आप जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बसेस लगी रहती है। रिटर्न जाते वक्त भी आप देखिए कितनी सुंदर लाइटिंग लगी हुई है रोड पे, बहुत ही प्यारी लगती है एकदम, जब हम रोड से जा रहे हैं तो बहुत सुंदर लगता है एकदम, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। ये देखिए ये आर्टिफिशियल ट्री है, इन पे भी लाइटिंग लगी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है ना एकदम, मीन्स रात के टाइम भी हम यहाँ से जब बस से जाते हैं तो कितना सुंदर लग रहा है, मीन्स ऐसा नहीं कि दिन में ही सीनरी दिखती है, रात में भी ऐसे प्यारी प्यारी सीनरी दिखती है, लाइटिंग वगैरह एकदम दिल भाग भाग हो जाता है। सॉरी एकदम ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, मेरी आदत है एकदम बोलने की, तो बहुत ही बढ़िया। और हाँ ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी वाला जो एरिया है ना, इसको एकता नगर बोलते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ ना, तो ये बोर्ड जा रही है, इसके बाजू में एकता नगर या नर्सरी कुछ लिखा हुआ है, बट एकता नगर बोलते हैं एरिया को। तो अभी हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम लोग अभी होटल ढूंढ रहे हैं, देखते हैं अच्छा सा इधर होटल मिल जाए तो वहाँ स्टे करेंगे। तो थोड़ी देर घूमने के बाद ये यूनिटी ग्रीन रूम्स के होटल हमको मिल गया, इसके सामने रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पे हम खाना खाएंगे बाद में। तो ये 2000 में पर रूम के हिसाब से हमको मिला, सस्ता मिला है। अगर आप टेंट सिटी में देखते हो उधर अंदर एकता नगर में, तो उधर आपको महंगे मिलेंगे होटल, ये 2000 में बहुत ही बढ़िया रूम मिला हमको। कितना बड़ा है ये रूम, थोड़ा छोटा है ये रूम, बड़ा है, स्वीट है स्वीट। बहुत थक गए हैं अभी आज हम, इसलिए जल्दी जल्दी बना रहा हूँ वीडियो, दिन भर से पूरे थक गए हैं। ये वॉशरूम 24 घंटा गर्म पानी आएगा, और ये फ्रंट, ये हमारी गाड़ी, और ये होटल है इधर। ओके तो यहाँ पे भी हमने खाना खाया है साही रेस्टोरेंट में, साही काठियावाड़ी एंड गुजराती, बहुत बढ़िया था खाना, मीन्स आज थाली नहीं खाया हमने, कुछ अलग अलग मंगा के खाया और अच्छा, मीन्स रेट भी अच्छा था। और ये हमारा रेसिडेंसी जहाँ हम रुके हैं, यूनिटी ग्रीन रूम्स, इस साइड है स्टैचू ऑफ यूनिटी, साइड से आए हम और इधर रुके। इस होटल की ना एक ही दिक्कत थी कि यहाँ पे लिफ्ट नहीं थी, तो थर्ड फ्लोर पे था हमारा, तो वो थोड़ी दिक्कत थी, बट ठीक है चलता है, मैनेज करना पड़ता है कभी कभी। और आज का लास्ट दिन है वैसे भी, हम लोग कल निकलने वाले हैं सुबह ही, तो मैनेज कर लिया हमने, और होटल ढूंढने की हमारे में ताकत भी नहीं बची थी। और ये बहुत अच्छा होटल है, बस लिफ्ट ही एक ड्रॉबैक है, बाकी सब कुछ बढ़िया। मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग सुबह सुबह उठ गए, क्या टाइम हो रहा है अभी, अभी हो रहे 5:49, हमको निकलना था 5:30 बजे तक, लेकिन अभी थोड़ा लेट हो गया,
अभी हमको नॉन स्टॉप नागपुर जाना है, तो अभी देखते हैं समृद्धि से जाएंगे नासिक होते हुए या फिर ओंकारेश्वर से जाएंगे। वैसे लाइव जो मैप है उसमें तो समृद्धि से ही दिखा रहा है नासिक होते हुए, तो वहाँ से जाएंगे अभी और देखते हैं रात में 8 बजते या 10 बजते रास्ते कैसे। समृद्धि तक जाने के लिए टाइम लगेगा और उसके बाद तो टेंशन नहीं है। देखिए सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड है, हाँ रात में गाड़ियाँ नहीं थी, अभी देखिए कितनी गाड़ियाँ जमा हो गई। मीन्स कैसा है रात में जो उधर पब्लिक थी बहुत सारी स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ, वो सब आगे है इधर, अभी पूरे होटल्स पैक होंगे अभी। तो चलो अभी ठंड तो बहुत है, पहले तो चाय पियेंगे फिर डीजल भराएंगे और फिर निकलेंगे। ये तो कितनी ठंड लग रही है इसको, मेरे को भी लग रही है लेकिन ठीक है चलता है। चलो फिर नागपुर जाने के बाद मैं अपडेट दूंगा आपको डायरेक्टली, क्योंकि बीच में तो कुछ है नहीं दिखाने लायक। ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लेट्स ट्रैवल विद प्रवीण। सो लेट्स गो एंड लेट्स ट्रैवल विद प्रवीण। अभी बजे है 6:45 और ये यहाँ बैठी है कॉफी पीने के लिए, भैया हम बना के दे रहे हैं। क्या हमारी चाय आ गई, कौन सी गाँव है अमरोली। ये है बैतूल खंडवा हाईवे, सॉरी घाट सेक्शन है ये। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ होगा तो ये रेत गिरी है यहाँ पे एकदम टर्निंग पे। अगर इधर से कोई आता है, यहाँ पे टर्निंग है ऐसी, यहाँ से कोई आता है तो सीधा ये रेत पे जा सकता है, और उधर से इधर से कोई गाड़ी आएगी तो उसके लिए भी टर्निंग ही हो। ये देखिए यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, यहाँ पे ग्लास वगैरह गिरा है ट्रक का पूरा। ये देखिए अरे खाई जैसा है, बैठ बैठ आ रो, इधर गया होगा, हो गया होगा तो ये इधर देखिए एकदम खाई जैसा, इधर यहाँ पे गिरा होगा ऐसे। भाई जब हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारा पूरा गुजरात टूर का हुआ है 3390.7 किलोमीटर और आज का जो है दिन भर का हमारा तुमसर तक, अभी हम तुमसर पहुंचे हैं तो दिन भर का हो गया है 928.3 किलोमीटर। मीन्स बहुत ही लंबी ड्राइविंग होगी आज और माइलेज भी अच्छा निकला है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सायनारा।